Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Apni kitab ka safa number 98, page 98 khole. Unit number 4 hai. Aaj hum padhenge tafheem roshni. Aaj hum roshni ke bare mein janenge ki roshni hai kya. Hame apne ird gird jo cheeze hain जो हम देख सकते हैं वो किसकी वजह से देख सकते हैं. हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें रोशनी की वजह से देख सकते हैं. और रोशनी का एक सबसे बड़ा ज़रिया यानी जिससे हमें रोशनी हासिल होती है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं. तो आपको पता ही होगा यकीनन, सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं. सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है. ऐसे तो बहुत सी चीज़ें जिनसे हम रोशनी हासिल करते हैं, लेकिन रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? सूरज. तो चलें इसको पढ़ते हैं. रोशनी. क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? वही चीज़ें अंधेरे में क्यों नज़र नहीं आती? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी की नेमत बख्शी है. रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें नज़र आती हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन क्यों हम देख सकते हैं लेकिन जब रात होती है तो वो हमें नज़र नहीं आती? हम देख सकते हैं अगर तो वो रोशनी की वजह से देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते तो अंधेरे की वजह से नहीं देख सकते. और रोशनी अल्लाह ताला की नेमत है, यानी अल्लाह ताला ने हमें रोशनी अता की है और हमें उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है. रोशनी हमें आग से भी मिलती है, बिजली की चमक से भी रोशनी हासिल होती है, इसी तरह से जुगनों की भी अपनी रोशनी होती है. हम लाइट जैसे बल्ब ऑन करते हैं उससे भी रोशनी हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोशनी का ज़रिया है वो क्या है? सूरज है. इसके अलावा आग, बिजली की चमक और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनों की अपनी रोशनी होती है. रोशनी की ख़ास बातें ये हैं. रोशनी की ख़ास बात क्या है? रोशनी की ख़ास बात ये है कि ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है. नहीं, जितना बोलते हैं ना, जो हमारी आवाज़ इतनी, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो इतना तेज़ नहीं होता जितनी रोशनी की किरण तेज़ होती है. रोशनी की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज़ होती है. जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं इतनी देर में ये पूरी दुनिया के गिर्द 8 चक्कर लगा सकती है. इतनी तेज़ रफ्तार में जो है वो रोशनी चलती है. ये हमेशा सीधी जाती है, ये चीज़ों से टकराकर वापस आती है. रोशनी हमेशा सीधी जाती है और ये चीज़ों से जब आगे इसकी कोई रुकावट आ जाए तो रोशनी चीज़ों से गुजर नहीं सकती. जो सख्त चीज़ें, जो ठोस चीज़ें होती हैं उनसे गुजर नहीं सकती, बल्कि उनसे टकरा के वापस आ जाती है. आपने इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको समझना है, और इसकी मश्क को अपनी कॉपी पर या नोट्स जो दिए हैं उन पर हल कर लेना है.